तू ट्रेवल एजेंट बनना चाहता है। उसके पापा ने जब ये ताना मारा उसको और डांटा, जब भावेश ने अपने पापा से ओला बिजनेस प्लान के बारे में बात की थी। 2008 में IIT बॉम्बे से भावेश ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट रिसर्च टीम के अंदर काम करना शुरू किया था। 2 साल तक काम करने के बाद भावेश ने रिजाइन मार दिया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये कमी खल रही थी और वो सोचने समझने के बाद में उसने ये रिजाइन मारा कि जॉब तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी स्टार्टअप नहीं किया या फिर स्टार्टअप करने की हिम्मत नहीं की तो ज़िंदगी भर मैं अपने स्टार्टअप का सपना नहीं कर पाऊँगा। जॉब से रिजाइन करने के बाद भावेश ने एक वेबसाइट डेवलप की, olatrip.com। काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ अच्छे वीकेंड ब्रेक एंड हॉलीडेज अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड किए। वहीं दूसरी ओर भावेश के पिताजी को उसके बिजनेस के प्लान के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। एक पापा होने के नज़रिए से उन्हें लगा कि भावेश एक ट्रैवल एजेंट बनकर रह जाएगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उन्होंने अपनी सजेशन लिस्ट में से एक सजेस्ट किया कि तू स्टार्टअप वगैरह बाद में कर ही लेना, लेकिन तू अभी MBA कर। और जैसे कि हर मिडिल क्लास में ये चीज़ होती ही है कि एजुकेशन को ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि बिजनेस के आइडियाज़ को। आखिर तुम्हें पता ही क्या है बिजनेस के बारे में, जब उन्होंने ये बोला तो भावेश को भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। तो भावेश ने वहीं उसी टाइम ठान लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, और वहाँ से भावेश ने अपने और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की जो है टेक्निक बढ़ाई। जब उसने अपनी olatrip.com वेबसाइट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 2010 में गेम स्टेडियम के बाहर पहुँच के लोगों के बीच पैम्पलेट बांटना शुरू किया, शायद कुछ वहाँ से उसको क्लाइंट मिल जाए अपने पैकेज के रूप में। बट किस्मत कहाँ ही मौका देती है, सुबह से लेकर शाम तक भावेश अपना प्रोपोजल वहाँ पे देता रहा, लोगों से बात करता रहा, क्लाइंट से बात करता रहा, लेकिन एक भी प्रोपोजल किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और कहते हैं ना कि जब किस्मत का सिक्का उछलता है तो कुछ और ही होता है। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने बेंगलोर से बांदीपुर जाने के लिए कार रेंट करी। जब कार वाले आधे ही रास्ते में जाके उससे बहस करने लग गए और पैसों के बारे में रीऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए बारे में बात करने लगा, तो भावेश ने पहले ही मना कर दिया कि मैं एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। और इस वजह से उसकी बहस हुई और फिर जो है ड्राइवर ने भावेश को वहीं उतार दिया। और भावेश के दिमाग में दिन भर यही सोचता रहा वो कि इंडिया में बिना जान पहचान के एक डिसेंट कार रेंट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ समय बाद जब भावेश अपना हॉलीडे पैकेज सेल करने के लिए अलग अलग क्लाइंट से मिलने गया तो उनमें से एक क्लाइंट ने मीटिंग कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ बोली कि यार नैनीताल जाना है, गाड़ी दिला दे। देन भावेश को रियलाइज हुआ कि लोगों को एक्चुअल में ट्रिप वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है बल्कि गाड़ी की ज़रूरत है। इस इंसिडेंट के बाद भावेश मुंबई चला गया और यहाँ आके उसने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट बनाई और लॉन्च कर दी उस वेबसाइट को, और olacafe.com के नाम से इस वेबसाइट को पब्लिश किया। फाइनली भावेश का यहाँ अपनी एक वेबसाइट के द्वारा कैब रेंट देने का सक्सेसफुल आइडिया काम कर गया। और जैसे जैसे समय बीतते गया, 7-8 महीने के बाद लोगों को ये चीज़ पता चलने लग गई कि olacafe.com करके कोई नया स्टार्टअप आया है मार्केट में और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा है। 2012 के मिड में जब ओला ने अपना ऐप लॉन्च किया तो बहुत सारे आसपास के इन्वेस्टर्स से जो उस फंडिंग देना स्टार्ट कर दी, लाइक जैसे स्नैपडील शादी.com के फाउंडर, इन्होंने अपनी फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया। 2012 के एंड तक ओला के पास में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए थे जो ऑर्गेनाइज वे में फंडिंग देना शुरू कर चुके थे, और उस फंडिंग से लेकर अब फंडिंग जो आने वाली है वो है IPO। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर IPO आ चुका है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इस IPO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करने वाले हो, वो सारा जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा डीमैट अकाउंट का और एक फ्री कोर्स का, जहां पर आप जाके फ्री में सीख सकते हो कि कैसे आप स्टॉक मार्केट IPOs को सीख सकते हो और कैसे आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको IPOs के बारे में नहीं पता और स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम जीरो नॉलेज है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डीमैट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, फिर जो है आप मुझे DM करो, मैं आपको एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करूंगा जहां पर बहुत सारे बिगिनर्स लोग हैं जो डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मिलेंगे, बट आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।